कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा शुक्रवार को जयपुर पहुंचे। उन्होंने सुबह मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इसके बाद एक टीवी मीडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने संकेत दिए कि वे जल्द ही राजनीति में आने को उत्सुक हैं। इसके लिए वे नियमित रूप से मुद्दे उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से मुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा जाते रहते हैं। मुझे यहाँ के गणेश मंदिर का पता चला तो यहाँ भी मैं नतमस्तक करने के लिए चला आया। वाड्रा ने कहा कि 25 साल से गांधी परिवार से जुड़ा हूँ। काफी जनता की पुकार है कि मैं भी राजनीति में आकर कोई जिम्मेदारी संभालूं, किसी क्षेत्र का नेतृत्व करूं। हालांकि वाड्रा ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगाकर मुश्किल में डालने की कोशिश की गई है। जो आरोप लगाए गए हैं वे बेबुनियाद हैं। मैंने एजेंसियों को सभी प्रकार के कागज उपलब्ध करा दिए हैं। मेरा मानना है कि पहले इन आरोपों से मैं बाहर आ जाऊं। वाड्रा ने यह भी कहा कि भले ही उनका राजनीतिक परिवार से संबंध है, लेकिन वे राजनीति से हमेशा दूर रहे हैं, लेकिन अब वे नियमित रूप से कोई न कोई मुद्दा उठाते रहेंगे। पिछले दिनों पेट्रोल व डीजल की बढ़ती दरों के खिलाफ साइकिल से दफ्तर पहुंचकर उन्होंने मैसेज देने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि मैं बिजनेस के लिहाज से अपना काम करता हूं। हां, गरीबों व जरूरतमंदों की मदद के लिए रोज कुछ न कुछ देता हूं, जितना मुझसे हो पाता है। वाड्रा ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि राहुल और प्रियंका जब भी बाहर निकलते हैं तो कई बार मेरे ऊपर भी मुद्दा बना दिया जाता है। वे दोनों काफी आगे जाएंगे। वे देश की भावना को समझते हैं और देश में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।